सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें गरबा नृत्य का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम में मंच पर विराज रहे खेराम किसान पंचायत के अध्यक्ष जी श्याम जी आचार्य साहब, पूर्व सरपंच साहब मदन जी टेलर साहब, पंचायत समिति के सभी सदस्यगण, माली समाज के सभी पंच जो मंचासीन हैं, सामने बैठे इस कार्यक्रम में किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करना और उसको सफल बनाने में बहुत बड़ी शक्ति एनर्जी टीम चाहिए। और सूरत राम जी के नेतृत्व में जो टीम यहाँ पर बैठी है, ये जो पूरा फ्लैक्स लगा हुआ है, इतने लोगों के लगने के बाद भी इतना बड़ा ये सुंदर आयोजन हो रहा है, ऐसे सभी मेरे युवा साथी, समाज के सभी पंचपटेल मातृ शक्ति, कुछ चीजें हमारी आदत में रह जाती हैं, उसी अनुसार हम बात करते रहते हैं। तो सोनी जी ने कहा था, सचिव साहब ने ग्राम विकास अधिकारी अब नया डेजिग्नेशन आया है, हमारे युवा ग्राम विकास अधिकारी जी और यहाँ की कानून व्यवस्था को देख रहे थे, तो मुझे पुलिस के साथ ही नजर आए थे वर्दी में, कुछ लड़के पीछे खड़े होते हुए पता नहीं क्यों तो आए, क्यों वापस चले गए, कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ, वो काफी हंसी ठिठोली कर रहे थे वो भी, और काछोला के सभी सम्मानित जन, आज इस आयोजन के लिए आप आए हैं, बच्चे बच्ची सब गरबा नृत्य का प्रदर्शन और दर्शन के लिए आए हैं, तो आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लेते हुए, सोनी जी का फोन आया था, उसके बाद आज सुबह सूरत राम जी का फोन आया था कि ऐसा कार्यक्रम है यार, आप आए तो कल का रखें कार्यक्रम, मैंने कहा नहीं आज ही कर लेते हैं, आज ही आ जाते हैं, जब आप इतने प्रेम से बुला रहे हो तो इसमें देरदार नहीं करते, तो आज ही कार्यक्रम रख लेते हैं। आप लोगों ने बुलाया, स्वागत करा, सम्मान करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भारत एक धार्मिक देश है, और लोकतांत्रिक देश है, धर्म और वोट दो महत्वपूर्ण जो पहलू हैं इस देश को चला रहे हैं, पर कहीं ना कहीं दोनों जगह कुछ चूक हो रही है। इतने धार्मिक आयोजनों के बीच आज सुबह अखबार में पढ़ने को जब ये मिला कि एक पुत्र ने अपने माता पिता और बहन की हत्या कर दी, और वो रहने वाला किशनगढ़ का, नाम किशन जी के गांव का ऊपर रखा हुआ है किशनगढ़, और वहां पर एक लड़का अपने माता पिता और बहन की हत्या कर देता है, तो नवरात्रा के अवसर पर हमें सोचना होगा कि ये देश, आने वाली पीढ़ी, ये युवा वर्ग हैं, वो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये आने वाला समय किस रूप में होगा, इन बच्चों को इस देश में किस रूप में रहना पड़ेगा, ये बहुत सोचने का विषय है। लोकतंत्र की जो बात हुई, कहीं ना कहीं घूम के सारी चीज उस पे आ जाती है, वोट पे। खुले रूप से माता के इस दरबार में निवेदन करना चाहूंगा, वोट का राज लाने में बहुत शहादत लगी, बहुत कुर्बानी लगी, उस चीज को मैं समझता हूं, और इंजीनियर साहब के द्वारा भी ये संस्कार के अनुसार, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, बताया गया कि विकास से हम लोग वंचित रहे, प्रयास करेंगे कि ईमानदारी से सबका आपका साथ लेकर, बिना किसी भेदभाव के, सही रूप से सही रास्ते पर और विकास के रास्ते पर लेकर इस मांडलगढ़ को हम चलें, ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए,
काछोला और मांडलगढ़ का विकास जहां तक अपनी क्षमता है वो अपन बात करें, राज्य का क्या होगा, देश का क्या होगा। पहले हम मजबूत होंगे, हमारी स्थिति मजबूत होगी तब आगे कुछ करने की सक्षमता रखेंगे। आप लोगों ने इस बार यहाँ पीछे मंदिर में हम लोग सब एकत्र हुए थे, आप लोग वहां एकत्र हुए थे, वोट मांगने के लिए हम वहां हाजिर हुए थे। उसके बाद आभार के लिए भी हम वहां एकत्र हुए, वहां आए थे। शिव साक्षी है, ये वाला शिव नहीं है, ऊपर वाला शिव। प्रयास हमको सामूहिक रूप से करना पड़ेगा, नेता जनता से बनता है, जनता बिना नेता अधूरा है और नेता बिना जनता अधूरी है। तो नेता के चयन में आप मजबूती रे ईमानदारी रखिए, निश्चित रूप से विकास होगा और अच्छा विकास होगा। आप लोगों ने यहां बुलाया, स्वागत करा, सम्मान करा, आप लोगों के सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस नवरात्र के अवसर पर सारी नौ देवियां अलग अलग रूप में देवियों का किया गया है, सारी नौ देवियों का आप लोगों पर, आपके परिवारजनों पर आशीर्वाद रहे और सभी की खुशहाली हो। आपकी खुशहाली और आपकी मजबूती से काछोला मजबूत हो और काछोला की मजबूती से मांडलगढ़ मजबूत हो, इसी आशा और विश्वास के साथ उन्हें आपने बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, हृदय से आभार। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत आभार। मैं छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा इस अवसर पर, माननीय विधायक महोदय।